इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। मैच में एक समय ऐसा था जब भारतीय टीम मेजबान टीम पर भारी पड़ती दिख रही थी, लेकिन अंग्रेज टीम की धारदार गेंदबाजी और भारतीय बल्लेबाजी की लचर प्रदर्शन ने भारत को हार के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। बेशक मैदान में बल्ले और गेंद के बीच रोमांचक जंग देखने को मिली, लेकिन मैदान के बादल भी इंग्लैंड टीम के समर्थकों ने टीम इंडिया की बस के सामने खड़े होकर कहा कि वेयर इज कोहली गॉन, वी हैव जेम्स एंडरसन। उनका कहने का मतलब था कि कोहली कहाँ चले गए, हमारे पास जेम्स एंडरसन है। जाहिर है कि अब जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी, सीरीज का रोमांच भी सातवें आसमान पर होगा। मैच में हावी होने के बाद भारतीय टीम को भी ये हार नहीं पचेगी। मैच के बाद अश्विन ने कहा, हाँ हम भी इस टेस्ट को जीतना चाहते थे। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला विराट टेस्ट था। वहीं विराट ने कहा कि अब इस सीरीज का सेट अब शानदार बन गया है। विराट ने कहा कि हमने अपनी क्षमताओं के मुताबिक खेल नहीं दिखाया है, बावजूद इसके भी हम जीत के करीब थे। कोहली ने कहा कि अगर हर खिलाड़ी अपनी क्षमताओं का 80 से 85% भी इस सीरीज में झोंक दे तो हम ये सीरीज जीत सकते हैं। लेकिन कोहली के इस बयान से ये साफ है कि इस सीरीज के बाकी बचे 4 मैचों में गेंद और बल्ले के बीच जंग सातवें आसमान पर होगी। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।